तो यार फ्रेंड्स, अगर आप भी आप अपने पेटीएम HDFC बैंक पर बिल पेमेंट करने के लिए जाते हो, देन आपके सामने कुछ स्टेप का डैशबोर्ड आ जाती है। इस वीडियो पर मैं आपको कैसे आप लोग ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि BBPS का प्रॉब्लम है, कैसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आप लोग कैसे पेमेंट कर सकते हो, इस वीडियो पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, साथ में अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो देखो, सबसे पहले मेरा जो फोन का स्क्रीन है अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर शो होगा, एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पर दिखने वाला हूँ। देखो, मेरा जो फोन का स्क्रीन है अभी इसे शो हो रही है, एंड मैं सबसे पहले यहाँ पर पेटीएम HDFC बैंक का जो बिल है मैं सबसे पहले पे कर दूँ, किससे? पेटीएम एप्लीकेशन से। तो आप भी जो पेटीएम एप्लीकेशन से सर्च करते हो तो आपको करना क्या है, पेटीएम एप्लीकेशन में सबसे पहले ओपन कर लेना। मैंने इसमें मेरा जो पेटीएम एप्लीकेशन है मैंने इसको ओपन कर लिया है, एंड ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे, देन आपको यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ एंड यहाँ पर देखते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन, इस पर मैं अगर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर क्या आती है, मेरा जो कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। देखो, सारा कुछ चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखने वालों, एंड मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर पेमेंट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, मेरे पास यहाँ पर एक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आ चुका है, ऊपर में आप लोग देखो दिन इम्पोर्टेंट 5 जुलाई यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपल से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर पे के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इस पे के ऊपर क्लिक किया तो आपको भी कर देना है, देन सिंपल से आपको अमाउंट डालना है कि आपका जितना भी बिल है, मान के चलो मेरा 1000 रुपीज की बिल है, मैं पॉजिटिव टू पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने पॉजिटिव टू पे करा, यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रॉम 1 जुलाई वी सपोर्ट क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ओनली फॉर बैंक्स रजिस्टर्ड ऑन भारत बिल पेमेंट सिस्टम, पर बताए वी विल अपडेट यू वंस योर बैंक इज सपोर्टेड। यानी कि यहाँ पर बताया जाएगा कि जो भी बैंक अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे रजिस्टर्ड है उसी का क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आप जो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका बैंक जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे अपडेट नहीं है तो आप लोग आप अपना क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है आप लोग इस टाइम नहीं कर सकते। बट आपका जो ड्यू डेट है वो आ चुका है, तो अभी आपको करना क्या है, कैसे आप लोग इस कार्ड का बिल पेमेंट करोगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम है क्यों आई, क्योंकि HDFC बैंक जो है अभी तक जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम पे अपडेट नहीं हुआ है, इसके कारण यहाँ पर जो पेमेंट है यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब आपको करना क्या है, देखो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे आप लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे आप लोग सीधा प्ले स्टोर पे आ जाओगे, एंड प्ले स्टोर से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। देखो, एप्लीकेशन का नेम है MobiQuick, एंड MobiQuick एप्लीकेशन को यूज करके आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो देख सकते हैं मैंने MobiQuick के ओपन कर लिया है, एंड आपके सामने कुछ स्टेप के डैशबोर्ड आ जाएगा, आपके ऊपर मिल जाएगा जो कि यार क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पर आपको जो ऐड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। आपका जो कार्ड नंबर है यहाँ पर एंटर करके जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपका जो कार्ड है यहाँ पर सपोर्टेड हो जाएगा। देन आपको करना है आपको, जैसे कि मेरा यहाँ पर 2 कार्ड है HDFC बैंक का, तो जो पहला वाला कार्ड है सिंपल से मैं पेन आउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं जो यहाँ पर मांगे जो लिख यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000, ठीक है ना। 1000 मैंने लिख कर कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्योंकि मुझे 1000 यहाँ पर पेमेंट करना है। पे के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो ऐसा कुछ सेन नहीं है कि आपका जो कार्ड है वो जो यहाँ पर सपोर्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल से मैं एक बार देख लेता हूँ कि यार पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो, व्यू मोर पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, एंड जो UPI ऐप है फोन पे गूगल पे इसके मदद से हम लोग इस पर पेमेंट कर देंगे। तो मैं सिंपल से यहाँ पर फोन पे को यहाँ पर ओपन कर लूंगा, एंड ये जो पेमेंट है यहाँ पर कर दूंगा, एंड आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हो। देखो, सिंपल से यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, एंड फोन पे का जो डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करना है। एंड देखो, यहाँ पर आ चुका है, तो सिंपल से मैं यहाँ पर पेमेंट करूंगा इस बैंक से, एक ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मेरा जो UPI पिन है ना मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो आपको भी अपना जो UPI पिन है वो देना होगा, तभी जगह जो पैसा यहाँ पर पेमेंट होगा। तो देख सकते हैं कनेक्टिंग सिक्योरली आ रहा है, एंड मेरा जो पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, डांड के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग डांड नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होकर आपको MobiQuick फिर से ले जाएगा। तो सिंपल से हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, एंड देखते हैं क्या होती है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मैंने इस पर पेमेंट कर दी यहाँ पे, एंड यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल। आप बात करते हैं जैसे हम लोग बैक करेंगे यहाँ पे, बैक करने के बाद अगर आप लोग अपना बैंक पे जाके अगर आप अपना कार्ड पे मैनेज कार्ड पे जाके देखोगे, देन आपका जो बैलेंस है ऊपर अपडेट नहीं होती है, हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक कर देगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी फिलहाल पेंडिंग में, आप लोग 2 से 3 मिनट वेट कर लेना, आपको यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा, एंड आपकी कार्ड पे भी जो पैसा भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यार यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम लगती है यहाँ पर सक्सेस आने में, बट आप अपना कार्ड को चेक कर लेना 2 से 3 मिनट के बाद, तो आपका जो पेमेंट है वो पर आ जाएगा। तो यार होप कि यार ये जो वीडियो आपको पसंद आई है, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।